की एक लेपर्ड भी पसंद आ गई है, लेकिन यहाँ राज है एक बहुत ही ताकतवर तेंदुए का, स्कारफेस, जो इतनी आसानी से अपने इलाके को नहीं छोड़ने वाला था। अब तो साया द रियल ब्लैक पैंथर और स्कारफेस द वॉरियर लेपर्ड में जानलेवा युद्ध तो होगा ही, और ऐसा ही कुछ हुआ भी जब स्कारफेस ने द रियल ब्लैक पैंथर को बुरी तरह से हरा दिया। पर हमारा ब्लैक पैंथर भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था, वो कबीनी में ही रहा। लेकिन अब देखना तो यही है कि इस ब्लैक पैंथर की जिंदगी में आखिर आगे होता क्या है, और इसकी जिंदगी और इसकी दुनिया आखिर है कैसी। स्कारफेस के दिए गए जख्मों को लेकर साया जंगल में इधर उधर घूम रहा था, और वो इस नए जगह को बहुत करीब से समझने की कोशिश कर रहा था। भूख के मारे साया हिरनों के एक झुंड के बेहद नजदीक पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो शिकार कर पाता, बंदरों ने शोर मचा के उसका भेद ही खोल दिया। उन्होंने साया जैसे जीव को पहली बार ही देखा था, लेकिन उन्हें ये तो पता चल ही रहा था कि ये है तो एक शिकारी जानवर ही। अब साया को किसी तरह से बंदरों से छुपकर शिकार करना सीखना ही होगा, वरना आगे चल के उसे बहुत दिक्कतें होंगी। कबीनी में इस वक्त पतझड़ का मौसम चल रहा था, और साया के काले रंग के वजह से साया सबको अलग से ही नजर आ जाता था। वैसे ब्लैक पैंथर भी लेपर्ड ही होते हैं, और बस उनका रंग ही बाकियों से अलग होता है। कबीनी में भी साया एक लौता ब्लैक पैंथर है, और इनके कम होने की भी एक वाजिब वजह है। दरअसल आम रंग के तेंदुए झाड़ियों में आसानी से छुप सकते हैं, जैसे कि इस जंगल में रहने वाली क्लियो। क्लियो इस जंगल में कई सालों से रहते आ रही है, और कई बार तो ये बंदरों पे भी हमला कर देती है। साया क्लियो को देखते ही उस पर बिल्कुल फिदा हो चुका था। वैसे क्लियो थी भी बहुत खूबसूरत, और इस पूरे जंगल में उसका एक अलग ही दबदबा था। साया ने धीरे धीरे क्लियो का पीछा किया, लेकिन आगे जाकर जो कुछ भी उसने देखा, उसने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। क्लियो तो स्कारफेस की पार्टनर थी, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे। क्लियो और स्कारफेस ऊपर थे, और साया नीचे दूसरे जानवरों के बीच में उदास हो रहा था। और आगे तो उसने ये भी देखा कि साया के तो दो बच्चे भी हैं। अब बेचारा साया तो बिल्कुल ही टूट गया था। वैसे ये लाजमी भी है, क्योंकि स्कारफेस इस जंगल का किंग था, और इसीलिए क्लियो उसी के साथ थी जो सबसे ताकतवर था। साया को किसी तरह से स्कारफेस से भी ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बनना ही होगा, तभी उसकी दाल यहाँ गल सकती थी। लेकिन यहाँ साया को स्कारफेस के अलावा कुछ और जानवरों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा थी, और साया को तो अपने काले स्किन की वजह से कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती थी। लेकिन इस जंगल में एक ऐसी भी जगह मौजूद थी जो उसे इस वक्त भी ठंडा रखेगी। कबीनी के जंगल में छुपे इस झील में साल के हर महीने पानी रहता है, लेकिन साया अकेले इस जगह पर नहीं आया था। ये है खाल, एक यंग मेल टाइगर। ये साया से 3 गुना बड़ा है, और ये चाहे तो साया को आराम से मार सकता है। लेकिन साया भी अपने बचाव के लिए पास के पेड़ों पर चढ़ गया। जंगल के इस जगह पर ढेर सारे जादुई पेड़ मौजूद थे, और शिकार की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं थी। इसीलिए साया के लिए ये जगह किसी जन्नत से तो बिल्कुल भी कम नहीं थी। वैसे यहाँ एक और टाइगर भी मौजूद है, मिलिए किस्मेट से, जो इस जंगल की क्वीन है, और इस जगह पर केवल और केवल इसी का राज है। वैसे किस्मेट के कुछ बच्चे भी थे, और खाल उनके लिए खतरा था, इसीलिए एक दिन किस्मेट ने उसे अपने जंगलों से बाहर खदेड़ दिया। इधर साया पेड़ पे सुरक्षित तो था, लेकिन वह हमेशा पेड़ पे ही तो नहीं बैठा रह सकता था। आखिरकार उसे अपना पेट भी तो भरना था। इसे ये सीखना होगा कि किस तरह से एक टाइगर के मौजूदगी में ही शिकार किया जा सकता है, और तभी जाकर ये स्कारफेस को चुनौती दे सकता था। वैसे अगर बात किया जाए स्कारफेस की, तो वो शिकार करने में माहिर था, और शायद उसकी इसी खूबी ने क्लियो का दिल जीत लिया होगा। इधर कुछ दिनों के बाद क्लियो एक बार फिर से मीटिंग करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। लेकिन इसके बाद क्लियो खुद से ही स्कारफेस के पास चली गई, और खुद को उसके सामने सरेंडर कर दिया।
उन दोनों की आवाजें सुनकर तो साया का दिल ही बैठ गया होगा। बेचारा इसके बाद एक मोर को अपना शिकार बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक बार फिर से बंदरों ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। पिछले बहुत समय से जंगल एकदम सूखा था, पर कुछ ही दिनों में ये सब पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि अब मानसून का सीजन आ चुका था। अब इस नए मौसम के आने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही पूरा जंगल एक बार फिर से हरा भरा हो गया था। ऐसे में अब साया खुद को घने झाड़ियों के बीच कहीं भी छुपा सकता था, और शिकार के साथ साथ खुद को किस्मत से बचाने के लिए भी उसे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला था। पर एक जानवर ऐसा भी था जिसकी नजरों से ये चाह कर भी नहीं बच सकता था, और इसीलिए जब भी ये उनकी आवाजें सुनता तो साया को भागना ही पड़ता था। ये हैं ढोल, यानी कि भारतीय जंगलों के वाइल्ड डॉग्स। अगर ये एक दो रहते तब तो साया इनका सामना कर सकता था, लेकिन ये तो हमेशा झुंड में ही रहते हैं और इसीलिए सारा जंगल इनसे बहुत ज्यादा डरता है। कुछ ही देर के बाद ये डॉग्स झील के पास चले गए, जहाँ इन्होंने एक वाइल्ड बोर का शिकार करना चाहा, लेकिन इतने में ही कुछ एलिफेंट्स ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। अगर किस्मत यहाँ की क्वीन है तो ये हाथी भी यहाँ के देवता हैं, और कबीनी के इस जंगल में इन देवताओं का राजा है बोगेश्वरा। वैसे पूरे एशिया के हाथियों में बोगेश्वरा के दांत सबसे लंबे हैं। वैसे एक बात पता है, जंगली कुत्ते थोड़े सनकी होते हैं और वो कई बार हाथियों के पास जाने से भी नहीं डरते, पर अगर बात करें लेपर्ड्स की तो वो हाथियों के ज्यादा करीब कभी भी नहीं जाते हैं। इधर दिन बीतते गए और देखते ही देखते सूखे का मौसम एक बार फिर से आने लगा। अब ऐसे में साया के लिए शिकार करना तो एक बार फिर से थोड़ा मुश्किल होने वाला था, पर इतने समय में साया ने ये तो सीख लिया था कि वो छाया का फायदा उठाकर छुपकर भी हमला कर सकता है। ऐसा ही कुछ उसने किया भी, और इस बार जब वो शिकार करने गया तो बंदरों ने उसे देखा तक नहीं, और फिर साया ने एक झटके में एक हिरन का काम तमाम कर दिया। इसके बाद साया ने और भी कई शिकार किए, और हर शिकार के बाद वो और भी बेहतरीन शिकारी बनते जा रहा था। अब तो केवल बारी थी स्कारफेस को हराने की। इसके कुछ ही दिनों के बाद क्लियो एक बार फिर से मीटिंग के लिए तैयार थी, और इस बार साया अपने प्यार को किसी और के पास जाने नहीं देना चाहता था। पता नहीं क्लियो को ये बात पता है भी या नहीं कि पिछले एक साल से उसे कोई बे इंतहा मोहब्बत करते आ रहा है, पर इस बार साया क्लियो के बेहद नज़दीक चला गया। और जब ऐसा लगने ही लगा कि अब ये दोनों कपल्स बन ही चुके हैं, तभी स्कारफेस की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब तो साया ने भी ये ठान लिया था कि अब या तो वो यहाँ रहेगा या स्कारफेस, और वो दौड़कर स्कारफेस के पास गया। उसके एग्रेशन को देखकर ही स्कारफेस बहुत ज़्यादा डर गया और उससे दूर भागने लगा, लेकिन साया ने भी उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा, और अब आखिर में ये जंगल उसका है और उसका प्यार क्लियो भी। इतने समय तक जंगल के हालातों से लड़ने के बाद साया को आखिरकार अपना प्यार क्लियो मिल ही गई, और यहाँ से द रियल ब्लैक पैंथर यानी कि साया एक कामयाब तेंदुआ बन चुका था। इसी तरह के और जानवरों की कहानी जानने के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं।